इटावा एसओजी टीम व थाना लबेदी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर को थाना लबेदी क्षेत्र में शव मिला था। थाना राम जन्मभूमि पर तैनात पुलिस आरक्षी के शव की गुत्थी को सुलझाने का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को आला कत्ल तथा मृतक के कपड़े एवं अवैध असला सहित किया गया गिरफ्तार। घटना कारित करने वाली 3 सगी बहनों सहित 5 कुल अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। सिपाही की डेड बॉडी मिली थी थाना लवेदी क्षेत्र में, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या खुलासा हुआ है पुलिस द्वारा? 8 तारीख में सुबह थाना लवेदी क्षेत्र में बहादुरपुर गांव के पास एक बम्बा था जिसमें एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। 2 दिन बाद उसकी शिनाख्त हुई जो सिपाही के रूप में हुई, जो कि राम जन्मभूमि थाना अयोध्या में तैनात था। बाद में क्योंकि इसकी गुमशुदगी वहाँ लिखी हुई थी और वहाँ भेजा गया था, लेकिन बाद में अंतोगत्वा वो मामला हमारे जनपद में पंजीकृत हुआ था। उसमें आज पुलिस द्वारा और हमारी जो सर्विलेंस टीम है और थाने की टीम है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। इस सिपाही की हत्या में वहीं पर तैनात एक महिला कांस्टेबल है, वो उसकी एक और बड़ी बहन है जो हेड कांस्टेबल है, मथुरा में तैनात है, आगरा में रहती है वो, उसकी एक और बहन और 2 अन्य लोग जो इनके सहयोगी थे, इनके द्वारा उसकी हत्या की गई थी। 7 तारीख में ये अवकाश पे आ रहा था। उस घटना जब ये अवकाश पे आ रहा था तो महिला कांस्टेबल जो वहीं अयोध्या में तैनात थी वो भी इसके साथ आ रही थी। शादी को लेकर इन लोगों में कुछ विवाद था, उसी को लेके इसकी हत्या उस महिला कांस्टेबल द्वारा अपनी बहनों और कुछ अपने और सहयोगियों, जो उनकी एक और बहन के महिला मित्र बताए जा रहे हैं, उनकी बहन के पुरुष मित्र थे, उनके द्वारा की गई थी और इस डेड बॉडी को फेंका गया था। कुल मिला के आज 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में की गई है। उनके पास से जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी घटना में, वो आला कत्ल, क्योंकि इसके सिर पे जो एक ताइक्वांडो की चैन टाइप वो होती है उससे प्रहार करके इसकी हत्या करके की गई थी वो, तथा इससे जो चीज़ गायब हुई थी उनमें से भी कुछ वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। और एक अच्छा गुड वर्क पुलिस द्वारा किया गया है। तो ये जो महिला है जो पकड़ी गई है उसके साथ में जिनके नाथनी चौहान जो साथ में आ रही थी, वो सर कहाँ की रहने वाली है और मृतक किस बैच का? ये महिला सिपाही जो है वो इटावा की ही रहने वाली है, और जहाँ मृतक सिपाही योगेश की डेड बॉडी मिली थी उसी के पास इनका भी गांव था। ये अपने गांव में ही अपने किसी, जो से मैंने कहा इनके शादी को लेकर कोई वार्तालाप चल रहा था उसको ही सेट करने के लिए अपनी बहनों से बात कराने के बहाने लेके आ रही थी। इसी दौरान इन्होंने ये योजनाबद्ध तरीके से इसे अपने रास्ते से हटा दिया। ये अभी नए बैच के हैं और पहली पोस्टिंग उस महिला की थी राम जन्मभूमि थाना अयोध्या में, और इसकी भी पोस्टिंग अभी हुई थी 19 बैच की।